नमस्कार, ये गांव सुमैन का दृश्य आप मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं। हालांकि जो मेन रोड है टवाणा हिसार रोड, और एक बार हम आपको याद करवाना चाहेंगे, गांव सुमैन के अंदर एक भयानक बीमारी फैली थी पशुओं में। उस वक्त भी ये मुद्दा उठ रहा है, ये जो गंदगी है, जो अधिकारी आज उन्होंने बताया कि भाई साफ़ सफाई रखा करो वरना भयानक बीमारियाँ फैल जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जब ऐसी भयानक बीमारियाँ इन गंदगी से फैलते हैं, फिर हम किसको कोसते हैं? या तो हम अधिकारियों को गालियाँ देते हैं, या फिर हमारे जैसे मीडिया वाले साथियों को गालियाँ देते हैं कि कहाँ गए मीडिया वाले, कहाँ मर गए, वो दिखाते नहीं, बीमारियाँ फैल गई। तो भाई इससे बीमारियाँ ही फैलेगी, इससे कोई स्वस्थ नहीं रहेगा आदमी। आप देखिए कितनी किस प्रकार की जो गंदगी यहाँ पर मतलब गांव के मुख्य रोड पर है, और इसको हम अगर देखें तो ये मतलब जो गिरने वाले हैं कहीं ना कहीं स्थानीय निवासियों की भी गलती है, क्योंकि देखिए किस प्रकार जो जगह के होते हुए फिर भी रोड पर किस प्रकार ये डाला जाता है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इतनी जो दुर्गंध यहाँ पर आ रही है, इतनी भयानक जो गंदगी है, इसके अंदर भयानक बीमारियाँ ही बीमारियाँ फैलेगी। और फिर हम दोष देते हैं अधिकारियों को या मीडिया को या किसी भी प्रकार का, जब बीमारी हमारे ऊपर अटैक करती है, जैसे कि गांव सुमैन में पहले कितने पशु मर गए थे और अधिकारियों ने बताया था कि आप इस गंदगी को साफ कराओ। तो आगे भी चर्चा करेंगे, कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ है। सर आ जाइए, आप आ जाओ। तो इन्होंने भी बताया कि ये पूरी जानकारी देंगे। ये जैसे गंदगी पड़ी हुई है जी, देखो जब बीमारी फैल जाती है फिर आप जैसे कहते हो अधिकारी भी नहीं कुछ करते, हमारे जैसे मीडिया वालों को भी दोष देते हैं, भाई ये पत्रकार कहाँ मर गए, हालांकि हम तो अब आ रहे हैं, भाई इसको करो बीमारियां फैलेगी, क्या कहोगे आप? फिर एक बताओ जी, ये निरे अधिकारी यहाँ क्या खोट है, डालने वाला कौन है यहाँ? हम मैं दूसरे का दोष नहीं लगाता, मैं डालता हूँ तो वहाँ उसको दो जगह खड्डे बनाए हुए हैं, उन खड्डों को तो अधिकारी तो जब मानेंगे वो खड्डे ना रिताते हो। एक बार बीच में इनकी बात को टोकें, इन्होंने सही कहा है। देखिए उस साइड में तो डालने का वो बनाया हुआ खड्डा जैसे डाल दें, लेकिन जो यहाँ पर डालते हैं बिल्कुल सड़क पर डालते हैं, इसकी सुंदरता को जो है चार चांद लगाने के देखिए गंदगी, लेकिन जगह है फिर भी लोग मतलब क्यों नहीं मानते जी? पर जैसे बीमारी भी आई थी कितनी पहले। भाई देखो इनकी लोगों की सोच मारी है, हम तो ये कहते हैं तो ये चीज़ है नहीं, अधिकारी को तो हम जद कहते हैं ये जो दो रखने बनाई हुई है ये ना भरने के बाद जो अंदर बाहर जाती है, फिर हम अधिकारी को कह देते हैं नहीं हमारा दोष हमारा लगाता हूँ मैं इसमें। तो नहीं चाहिए जी भाई लोगों को, इसको पीछे गिरना चाहिए। यहाँ तो बिल्कुल पेड़ लगाने चाहिए, सुंदरता होगी अपने सब बच्चे बच्चे के अपने। अच्छा जब बीमारी आ जाती है जैसे अपने पशु मारे गए थे कितने, तो लोग अफसरों को फिर उनके ऊपर मतलब रोब दिखाते हैं, भाई आप क्यों नहीं आए, ये नहीं किया। हमारे जैसे पत्रकारों को भी वो गालियां देते हैं, भाई आप कहाँ मर गए अब। लेकिन अब हम जागरूक कर रहे हैं, लोग सुन नहीं रहे। नहीं ये भाई लोगों की गलती है भाई, अब हम तो ये कहते हैं भाई जागरूक करो, अपना काम है, सरकार एक बार बना के देती है ठीक है, बार बार कैसे बनाएगी, अपना अपना ही काम है। वह दो खड्डे दिए हुए हैं, एक वो खड्डा एक ये खड्डा, दो ये भरने के बाद आगे बढ़ता है तो हम फिर तो मानते हैं अधिकारी का और अपने भाई आप वर्ग के भाइयों का मानते हैं, और अब मैं गिर के जाता हूँ मैं। तो एक ग्रामीण है, इनका कहने का मतलब ये है कि जो जगह बनाई हुई है यहाँ पर तो डालते नहीं, लेकिन सड़क के बिल्कुल ऊपर डालते हैं, तो इसमें डालने वालों की गलती है, उनको जैसे जगह मिली हुई है पीछे डालें, अगर पीछे वाला ज़्यादा पर जाता है फिर आगे का ना उठाए, फिर अधिकारियों की गलती है। फिर तो अधिकारियाँ ही मानते हैं जी, हम अधिकारियों की कैसे गलती मानता हूँ, मैं नहीं मानता, खड्डा में देखो जी उसके अंदर है नहीं। तो ऐसे लगता नहीं जी अपने जैसे इतना बड़ा गांव सुमैन है और मेन रोड है, यहाँ से हर कोई आता जाता है, बाहर से भी लोग, कितने मतलब गंदगी है, गंदगी फैली हुई है जी इसमें, हमारे को सारे गांव को गालियाँ मिलती है इस चीज़ में, और हमारे एक्सीडेंट बच्चा होता है, किसी का भी है, गरीब का अमीर का भी किसी का है, तो बच्चा का एक्सीडेंट हो जाता है, और किसी का हो जाता है, तो गाली किसको मिलती है, हमारे गांव को मिलती है या गलिया किसी को तो नहीं। जैसे हम खबर चलाते हैं तो लोग कमेंट करते हैं भाई आपका गांव है, आप इसको अधिकारियों दोष क्यों देते हो, आप खुद करो। नहीं मैं तो कहता हूँ ये बात, मैं तो बार बार कहता हूँ, यहाँ गिरने वाले को भी बोलता हूँ, कई बार गिरते मिलते हैं, मैं उनको भी कहता हूँ बेबे आप मड़ी पीछे डालो, बनी हुई है वहाँ, हाँ जगह बेबे कह के बोलते हैं हम, फिर नहीं करते तो हम क्या करें यार। देखो और भी हमारे साथ है, सर आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे भाई इसके अंदर ही डाला जाए, यहाँ तो एक्सीडेंट वगैरह वगैरह सिस्टम भी हुआ है। तो मानते क्यों नहीं जी, जैसे आप गांव से ही है, ये भाई अपना आप ही गंदगी फैला हुआ है, तो लगता नहीं भाई इतनी गंदगी से, एक तो हमारे गांव के नुकसान भी है, इसके अंदर डालेंगे तो बढ़िया होगा, सबको सुंदर लगेगा ठीक है, ये तो गंदगी है, यहाँ बच्चा भी आ जाए, जगह ही सड़क पर एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं, सारा सिस्टम है, एक्सीडेंट भी हो जाए जी, दिक्कत भी आवा है, साधन वाले भी दिक्कत आवा है। आप क्या कहेंगे?
आप भी यही कहना चाहो अभी लुड़ंगा तक बेड़ा हट देखो नहीं रेहड़ी वाले आवागे गोबर की लिया पर कहो दड़ मारोगा रिक्शा वाले आवा हुआ भी दड़ मारा रोक दे तो कोई सबने कह लिया तो जैसे ग्रामीणों ने बताया अब हम दिखाना चाहेंगे जैसे ये गंदगी पड़ी है इसमें अगर हम गांव वाले ही अगर इसके प्रति जागरूक नहीं होंगे तो बाहर से कोई नहीं आएगा ना कोई अधिकारी आएगा और ना ही कोई मीडिया कर्मी आएगा लेकिन हाँ अगर हम सावधानी के साथ जैसे ये पीछे जगह है अगर यहाँ पर हम डाल लें तो ये रोड बिल्कुल साफ रह सकता है लेकिन जब बीमारियाँ फैल जाती है उस वक्त हम फिर दोष देते हैं दूसरों को कि ये बीमारियाँ आ गई बीमारियों के लिए कोई अधिकारी नहीं आया वो नहीं आया तो हम चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि हमारा या शहर हो या गांव हो हमारा अपना शहर है अपना गांव है और इसकी साफ स्वच्छ रखने की जिम्मेवारी भी हमारी है। हालांकि यहां पर एक बात मामला पहले उठा रहा कि जगह नहीं है तो जगह है बिल्कुल पीछे देखिए वो बिल्कुल खड्डे तो खाली है लेकिन रोड पर गंदगी डाल दी तो हम भी चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो ये गंदगी है इसको पीछे डालें और गांव को साफ स्वच्छ रखें। अगर वो खड्डे भर जाते हैं फिर हम अधिकारियों से उसको उठवाएँ फिर उसका हल भी हो सकता है। तो हम अपील करना चाहेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि अपील पर गौर किया जाएगा और ऐसी ही समस्याओं के साथ फिर आगे कहीं मिलते हैं। तब तक जुड़े रहे TVN News के साथ।